Hello and welcome to Creative Cookery Classes. I'm Ashwinda Kaur Agarwal. Today I'm going to teach you whole wheat chocolate chip cupcakes. So, उनके लिए हमें क्या-क्या ingredients की ज़रूरत है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है half cup whole wheat flour, यानी कि normal आटा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 tablespoon cocoa powder, some of chocolate chips as per your choice. This is baking powder. Baking powder is around half teaspoon. And 2 tablespoon of milk. This is normal milk and milkmaid. Milkmaid हमको चाहिए 200 grams, approximate half tin. और यहाँ पे मैंने कुछ paper line करके tin रखा है. इनमें हम अपने cupcakes bake करेंगे. तो आज last time मैंने आपको microwave सिखाई थी अपने red velvet cupcakes में and 1 minute में. आज मैं आपको baking सिखाऊंगी कि हम कैसे cupcakes को bake कर सकते हैं. तो आप मेरी कपकेक सीरीज प्लीज फॉलो करें तो आप काफी कुछ सीख सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो बटर लिया है वो मैंने लिया 50 grams बटर, 50 grams अनसॉल्टेड बटर. बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं अनसॉल्टेड बटर में, आप कोई भी ले सकते हैं. एंड प्लस इसको हमें मेल्टेड चाहिए, तो ये हम मेल्टेड बटर ले रहे हैं 50 grams, यानी कि हाफ टिक्की बटर की. अब मैं इसमें डालूंगी अपना आटा. प्लस बेकिंग पाउडर, कोकोआ पाउडर एंड मिल्कमेड. सो प्लीज ध्यान रखिए, हाफ टिन से थोड़ा सा एक चम्मच बचा लीजिए. अगर हमें नीड होगी तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं, राइट. अब मैं इसे ब्लेंड करने वाली हूँ फॉर 1 मिनट इन अ हाई स्पीड. गाइस, ये कपकेक भी बहुत इजी है, बहुत जल्दी से बन जाते हैं. ऑलमोस्ट हमारे घर के सारे इंग्रेडिएंट्स से बन जाते हैं, तो प्लीज इसे ट्राई जरूर कीजिए. ओके, दैट्स इट जस्ट फॉर 1 मिनट एंड नाउ वी आर गोइंग टू एड मिल्क. मिल्क मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको बताया 2 tablespoon लिया है, बट हम इसे हाफ हाफ करके यूज करेंगे. तो आप 1 tablespoon पहले डालेंगे एंड 1 tablespoon हम अराउंड रख के उसे कंसिस्टेंसी के हिसाब से एड करेंगे. सो लेट मी जस्ट चेक दैट जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमें कपकेक्स के लिए चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट है. तो मुझे नहीं लगता कि मिल्क और जाना चाहिए, बट एक बार ही हम इसे चेक कर लेंगे. चेक करने का क्या तरीका है, जैसे कि आपको पता होगा केक्स में भी फ्लोई बैटर हमें चाहिए होता है, बट कपकेक्स के लिए हमें थोड़ा सा बैटर उससे थिक चाहिए. तो हम थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे. तो अराउंड में सारा ही डाल देती हूँ, 2 tablespoon बस. आपको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है. एंड अगर किसी के पास ब्लेंडर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, प्लीज डोंट यूज दैट हैंड ब्लेंडर्स, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू. एंड अगर आपके पास विस्क है तो आप वो ट्राई कर सकते. So I think my batter is ready. As you can see, it's not too much flowy or it's not too much thick. So now we are going to take our lined tin and add our batter. Okay, so अब हम इसमें, जैसे कि मैंने आपको last time भी बताया था, 3/4 हम इसे fill कर लेंगे. गाइज, आटा बिस्किट्स बहुत ही आटा कपकेक्स बहुत ही हेल्दी कपकेक्स हैं. आप इन्हें किसी भी तरीके से बना सकते हैं. मैंने इन्हें चॉको चिप्स के साथ बनाना है, आप इन्हें एलमंड्स के साथ बनाइए, या आप इनमें रेजन्स भी डाल सकते हैं, वॉलनट्स डाल दीजिए, वॉलनट्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो यू कैन ऐड एनीथिंग.
Even you could add tutti frutti also, which children really like. सारे कपकेक्स को हम 3/4 फिल कर लेंगे. ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है जिन्हें मैदा से एलर्जी होती है या वो मैदा खाना नहीं चाहते, डाइट करना चाहते हैं, उनके लिए भी रेसिपी बहुत ही हेल्पफुल है. सो गाइस हम इसे एक बार ही टैप करेंगे लाइक दिस, बहुत ज्यादा टैप नहीं करेंगे एंड अपने स्पून के साथ आप इनको थोड़ा सा फ्लैटन कर लीजिए ताकि हमारे कपकेक्स बहुत अच्छे राउंड शेप के बन के आए. और चारों तरफ से बराबर बैटर उसमें जाए. अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूपर है आप उससे भी डाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड. सो अब हमारी कपकेक मोल्ड में अच्छी तरीके से डल चुके हैं. हम ऐड करेंगे इसमें चॉको चिप्स. गाइस ये मेरे होममेड चॉको चिप्स हैं. मैं आपको बहुत जल्दी इसकी रेसिपी भी बताऊंगी कि हम घर पे चॉको चिप्स कैसे बना सकते हैं. तो ये हम ऐड कर देते हैं जितने आपको पसंद हो आप उतने ऐड कर सकते हो. जो थोड़े ज्यादा पसंद है तो मैं थोड़े ज्यादा ऐड कर रही हूँ. ओके नाइस. ओके मैंने अपना ओवन ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स. अब मैं 10 मिनट्स के लिए इन्हें बेक करूंगी 180 डिग्री सेल्सियस पे. तो सॉरी 160 डिग्री सेल्सियस पे ही इन्हें बेक करूंगी. तो अब मैं इन्हें डाल देती हूँ. आपकी दोनों रॉड्स चलेंगी एंड द टाइमर वुड बी 10 मिनट्स 160 डिग्री सेल्सियस. तो अब मेरे कपकेक्स बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं. मैं इन्हें निकालती हूँ. वाओ लुक एट दीज यम्मी कपकेक्स, दे लुक सो यम. कोई कह सकता है कि ये आटा कपकेक्स हैं, होल व्हीट से बने हैं. सो गाइज मेरे कपकेक्स बनके रेडी हो चुके हैं. इसके लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं. एवरी ओटीजी हैज़ डिफरेंट फंक्शंस. सो मेरे ओटीजी में 12 मिनट्स में बन के रेडी हुए हैं. तो अगर आपके ओटीजी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आप इसे नॉर्मल टाइम इसका 10 मिनट्स है, बट अगर आपके ओटीजी में ये 10 मिनट्स में नहीं बनते तो आप इन्हें 2 मिनट और रख दीजिए तो ये रेडी हो जाएंगे. सो इट डिपेंड्स ओटीजी टू ओटीजी. अभी ये काफ़ी गर्म है तो इन्हें निकालते हैं. इट्स टू हॉट. बहुत गर्म है. जो मैं कर रही हूँ प्लीज आप ना करें, इन्हें ठंडे करके निकालें. गाइज मेरा पैन नॉनस्टिक था इसलिए बहुत इजीली निकल गए हैं. बट अगर आप नॉर्मल पैन भी यूज़ करते हैं और आप इसको नीचे पेपर लगाते हैं तो भी ये बहुत इजीली बाहर आ जाता है. सो आप देख सकते हो ये कितने आराम से निकल रहे हैं. इसको भी निकाल लेते हैं. Wow, they are look so yummy. Okay, I have this chocolate sauce जो मैंने normally ziplock bag में डाल के उसे rubber किया है और मैं इसे अब cut करके
थोड़ा सा ड्रिजल करने वाली हूँ अपने गरम गरम कपकेक्स पे। मुझे हॉट कपकेक्स बहुत पसंद है, अगर आप चाहते हो तो आप इसे ठंडा करके खाइए, बट मैं अपनी सॉस ड्रिजल करने वाली हूँ इनके ऊपर। वाओ इट लुक्स यम, है ना ये टेम्पटिंग। और सबसे बड़ी बात, ये हेल्दी है। डार्क चॉकलेट भी हमारे लिए हेल्दी होता है, प्लस क्या नाम है, आटा तो आपको पता ही है हमारे लिए हेल्दी है ही। तो आप मेरे यम्मी यम्मी कपकेक्स इंजॉय कीजिए, इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको इस रेसिपी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए सो 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 मच, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड यू सी, ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। बाय।